तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है कॉर्नी गेम प्ले वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो आप में से ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि भाई तू इतने दिनों तक कहाँ था, मतलब इतने दिनों तक चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी, मतलब 3 से 4 दिनों का कोई भी वीडियो नहीं आई है चैनल पर। अब देखो, इसका मेन रीजन ये है कि भाई मेरी कोई भी तबीयत खराब नहीं थी, मतलब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा मेंटली रेस्ट चाहता था, और देखो बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ पा रही। अब जैसी गेम की एनमेन की न्यूज है, मैं यहाँ पर सोचा था कि भाई जैसी गेम आएगी उसके गेम प्ले से डालना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब जो भी इंडियन वर्जन है, लेकिन भाई उसका मैं वेट करते रह गया, मतलब अभी तक आया है नहीं, और पता नहीं कब तक आने वाला है। इस बात की कंफर्मेशन भाई अभी तक किसी ने नहीं की है, मतलब बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे कि भाई इस दिन आ जाएगी, उस दिन आ जाएगी, लेकिन भाई देखते यार कब तक आती है। और जब तक गेम नहीं आती भाई, हम लोग इसी गेम से काम चला लेंगे। तो भाई देखो, इस वाले मैच में काफी ज्यादा तो भाई देखने को मिलने वाली है, तो फिलहाल एंड तक देखना इस वाले मैच को। फिलहाल उससे पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन इस वाले मैच की। तो देखो, इस वाले मैच में हम यहाँ पर नोवो में आए थे, और यहाँ पर हमें भाई लग रहा था भाई काफी ज्यादा बंदे आएंगे, लेकिन भाई यहाँ पर जो था केवल एक ही बंदा आता है, जिसे यहाँ पर हम इजिली निपटाए थे, लेकिन भाई उसकी मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर उसकी फुल स्क्वाड आ जाती है। तो बस देखो कैसे निपटाते इसके स्क्वाड को भी। यहाँ पर मेरा टीममेट एक बंदे को नॉक कर देता है, और हालांकि मैंने यहाँ पर काफी लंबी प्री फायर दे दी, लेकिन भाई एट द एंड उस वाले प्री फायर में वो बंदा आ ही जाता है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं इन बंदों को फिनिश करता हूँ। और यहाँ पर भाई लास्ट के एक दो बंदों को मेरे टीममेट ही नहीं पाए थे इस वाले स्क्वाड के, तो यहाँ पर मुझे कोई भी किल नसीब नहीं होता। और भाई इस वाले मैच को एंड तक देखना, आपको पता लगा कि भाई एंड में आपको कितने ज्यादा किल्स मिल सकते हैं, मतलब अगर आप एंड तक सर्वाइव कर गए तो आपको भाई पता है लास्ट जोन में सारे के सारे आपको रियल बंदे देखने को मिलते हैं, और मतलब बहुत इंटेंस फाइट देखने को मिलती है आपको इस वाले मैच में, सेम देखने को मिलेगा, और मतलब बस देखना काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फिलहाल यहाँ पर मेरे को सामने की तरफ एक यूएस दिखती है। अब यहाँ पर जो था ये वाला बंदा जैसे तैसे बच जाता है, और यहाँ पर मेरी दोनों गन्स में ज्यादा एमो थी नहीं, तो यहाँ पर वो बंदा लकीली आगे जाकर रुक भी आता है, और यहाँ पर बस मेरे टीममेट की गलती देखो। और यहाँ पर मेरे टीममेट ने जो बंदे के मुंह पर गाड़ी रोके ना भाई, ये देखने के बाद मेरा मन कर रहा था कि भाई मैच को एग्जिट करके नेक्स्ट मैच लगाया जाए और किसी हॉट ड्रॉप पर उतर के मस्ट किल लिया जाए, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर तुम्हारे भाई इस वाले मैच को खेल लेता है, और यहाँ पर बस देख तो जाओ भाई कितनी ज्यादा अभी देखने को मिलने वाली है इस वाले मैच में। और देखो इस वाले मैच में तो भाई हमें एक दो गिने चुने के लिए मिल रहे थे, क्योंकि देखो नोवो में होते हो तो भाई वहाँ पर भी हमें बंदे नहीं मिलते, और यहाँ पर पोचिंग के में है तो भाई ये लास्ट का बंदा बचा होता है जिसका किल तुम्हारे भाई को मिल जाता है। और भाई अब लगने वाली है मतलब किल्स की बरसात होने वाली है, बस देखते जाओ यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम गाड़ी उड़ाकर सीधा निकल लेते हैं रोजो की साइड, क्योंकि उधर चली थी फ्लेयर, और भाई वहाँ पर जो थी पूरी की पूरी स्क्वाड होती है, लेकिन भाई बैक टू बैक देखो वहाँ पर कितने सारे रशेज होते हैं, मतलब फ्लेयर को देख कर बंदे रश करने लग जाते हैं उधर बैक टू बैक। तो बस देखो यहाँ पर कैसे निपटाएंगे इन सभी बंदों को। Marked a location. और सच बताऊं तो भाई मुझे यहाँ पर लग रहा था कि उस बंदे के पास नॉर्मल वेपन होगी, लेकिन भाई इस बंदे के पास होती है यहाँ पर AWM, और यहाँ पर अभी तक फ्लेयर ड्रॉप गिरा भी नहीं था, लेकिन भाई उस बंदे के पास AWM पता नहीं कहाँ से आ जाती है, शायद से इस बंदे ने पहले से ही ड्रॉप लूट रखा होगा। फिलहाल यहाँ पर मेरे को एक और AWM का फटका पड़े इससे पहले मैं कवर में आ जाता, और यहाँ पर वो बंदा मेरे टीममेट को भी नॉक कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखो मेरे पास क्योंकि ग्रोजा होती है, तो यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई गाड़ी उठाकर सीधा पुश कर देंगे, मतलब क्लोजिंग कर देंगे, क्योंकि देखो भाई ग्रोजा है और उस बंदे के पास AWM है, तो भाई यहाँ पर एडवांटेज तभी होगा जब मैं क्लोज में जाऊंगा बंदे का। तो यहाँ पर हम गाड़ी उठाकर सीधा पुश कर देते हैं, और यहाँ पर हम ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते क्योंकि वहां पर एक और स्क्वाड आ चुके पीछे की साइड से। तो भाई अब बस देखो कैसे निपटाते हैं सभी बंदों को। हेड पे पड़ता है, नोक हो जाता हूँ यार, क्या यार। मार इनको ओपन से। अरे
फिलहाल यहाँ पर एक और गाड़ी आ जाती है और भाई इस लास्ट वाले बंदे को वो गाड़ी वाले बंदे ही निपटाए तो यहाँ पर इसी के साथ सारे के सारे किल्स मुझे कंफर्म हो जाते हैं। हालांकि एक किल चोरी हो जाता है तुम्हारे भाई के, लेकिन फिलहाल इग्नोर करते उसे और सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड से बाहर जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रोजा की एमओ काफी ज्यादा कम बची थी और वेस्ट भी नहीं थी मेरे पास कोई। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ पीछे वाली क्रेट लूट लेता हूँ और जहाँ से मुझे लेवल 3 वेस्ट और भाई ग्रोजा की एमओ भी मिल जाती है। और बस देखो कैसे निपटाते इन बंदों को, जो कि भाई मेरे ऊपर पुश भी करने लग जाते हैं। तो बस देखो यहाँ पर अब हालांकि इस वाले बॉट का किल मुझे नहीं मिल पाता, लेकिन भाई सामने के दोनों रियल बंदों को तुम्हारा भाई यहाँ पर निपटा देता है। और भाई उस वाले बॉट ने मेरी यहाँ पर थोड़ी सी मदद कर दी क्योंकि भाई जैसे वो बंदे उसको नॉक और फिनिश करते हैं यहाँ पर तुम्हारा भाई इस चीज़ का फायदा उठाता है और इसी बीच में एक ग्रेनेड को करके फेंक देता हूँ मैं। और तभी मेरे को पीछे से कुछ फुटस्टेप आते और यहाँ पर मुझे बॉट लग रहा था ये, लेकिन बस देखो यहाँ पर एक कैसे धप्पा देता है मेरे को। और सच बता तो भाई यहाँ पर मैं बार बार बच जाता हूँ क्योंकि इस बंदे के पास कोई भी ऑटो गन नहीं होती और भाई इस बंदे के पास होती है शॉटगन। और अगर ये एक शॉट चिपका देता तो भाई यहाँ पर मेरी पीटी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता क्योंकि मैं काफी ज्यादा क्लोज था इस वाले बंदे के। अब यहाँ पर जो था मुझे अभी भी शक हो रहा था कि भाई सारे के सारे बंदे नहीं गए क्योंकि देखो पीछे ये जो लास्ट वाला बंदा था ये ऐसा नदी के उस साइड से क्रॉस करके पीछे की साइड थे, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि भाई दूसरे स्क्वाड का बंदा हुआ तो भाई दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भाई तुम्हारा भाई यहाँ पर थोड़ी देर में कन्फर्म करता है और उसके बाद यहाँ पर मैं मस्त लूट करता हूँ और भाई तभी यहाँ पर एक आती है अड़चन। वो बाधा वो अड़चन ये थी कि भाई सामने आ जाता है एक बॉट और यहाँ पर मुझे शुरुआत में तो ये रियल बंदा लगता है क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी भी डाउट था कि सारे के सारे बंदे ऑल डेड नहीं हुए, तो यहाँ पर तुम्हारा भाई थोड़ा सा डर सा जाता है। लेकिन भाई वो एक बॉट निकलता है जिसे तुम्हारा भाई इजिली निपटा जाता है। उसके बाद मैं गाड़ी उठा कर आता हूँ सीधा इस वाली स्क्वाड हाउस पे और भाई यहाँ पर मुझे एक बंदा मिल जाता है। तो बस देखो यहाँ पर इस बंदे के साथ क्या स्कैम होता है और ये बंदा अलग ही आईक्यू लगाता है, लेकिन बस देखो इसके आईक्यू को कैसे फेल करते हैं। फिलहाल उसके बाद मैं बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि भाई एक बंदे से निपटना भाई काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो बंदा कहीं पर भी टीपी पी ले सकता है और कहीं से भी छुपके मार सकता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल अलर्ट था और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ग्रेनेड को करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता था कि भाई वो बंदा छत के ऊपर है क्योंकि भाई फुटस्टेप कुछ वैसे ही आ रहे थे, लेकिन भाई यहाँ पर मैं ग्रेनेड इस वाले कमरे में फेंक देता हूँ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। और तभी उस बंदे का फुटस्टेप जनरेट होता है और तभी मेरे को बंदा बाहर की साइड लटकता हुआ दिखता है। और ये जो मैंने नेट फेंका है भाई इस वाले नेट से पता नहीं बंदा कैसे डैमेज होता है और वो बंदा नीचे कूदकर हेल्थ मारने लगता है और इसी चीज़ का तुम्हारा भाई यहाँ पर फायदा उठाता है। और शुरुआत में तो मेरा एम पता नहीं कहाँ चलाया था, मतलब दीवार से टकराया था मेरा हाथ और उसी के कारण मतलब तो उसी एमओ वेस्ट होती है। लेकिन एट द एंड भाई इस वाले बंदे को भी निपटाया था मैं। उस बंदे की लूट देखो, मतलब इस बंदे का पास होती है ग्रोजा प्लस AWM और यहाँ पर भाई लास्ट का बंदा बचा हुआ था जो कि भाई काफ़ी देर तक कैम करता है और सच बता रहा हूँ उसको ढूंढने में हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई इस वाले बंदे को बड़ा गंदा मारूंगा। यहाँ पर मैंने उस बंदे की AWM उठा ली थी और उस बंदे को मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई AWM से मारूंगा। और बस देखो और यहाँ पर इसी के साथ कर लेते तुम्हारे भाई चिकन है। तो इसी तरह के गेम प्ले वीडियो में कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना। वीडियो अगर बढ़िया लगे तो प्लीज वीडियो पर लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको रेगुलर ऐसी तबाही भरी गेम प्ले वीडियो देखने को मिल जाए। इसके अलावा भाई मेन जाके सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि भाई वहाँ पर तुम्हारे भाई रेगुलर होने की ट्राई कर रहा है, मतलब उस पर भी थोड़ी मोड़ी वीडियोस डालने की ट्राई करूंगा मैं। तो भाई जाके सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भाई इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना अपने भाई को, वहाँ पर भाई बहुत जल्द अपने 50K होने वाली है तो जाके वहाँ पर फॉलो कर लो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।